आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग आपके साथ बीजी में डिस्प्ले टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी डिस्प्ले की चौथी वीडियो है, जिसके अंदर आज हम आपके साथ तीन पॉइंटों को कवर करेंगे, जिसमें पहला आउटस्टैंडिंग होगा, दूसरा इंटरेस्ट होगा और तीसरा डेप्रिसिएशन टॉपिक को हम कोशिश करेंगे आज आपके साथ फिनिश कर दें। इस वीडियो में या आप इस सेक्शन में बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो आप लोगों के लिए रेलिवेंट हैं। अब तक हमने अपनी लास्ट क्लास में अकाउंट बुक और अकाउंट समरी को डिस्कस करा था, जैसे वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे ये भी आज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक कंपनी को ओपन कर रखा है, जिसमें मैं आज आपके साथ आउटस्टैंडिंग एनालाइज को डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को आउटस्टैंडिंग का मतलब पता होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, या तो किसी को पैसा देना या किसी से पैसा लेना, ये उसकी बात करता है। तो आप, तुम्हें आउटस्टैंडिंग पर आना है। जैसे आप आउटस्टैंडिंग पे आओगे तो यहाँ से मिलेगा अमाउंट रिसीवेबल। जैसे अमाउंट रिसीवेबल पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले मिलेगा अकाउंट रिसीवेबल, जिसमें ऑल अकाउंट्स, ग्रुप ऑफ अकाउंट और सिलेक्टेड अकाउंट, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिनसे आपको पैसा लेना है। याद रखना, अगर आप अमाउंट रिसीवेबल पर ऑल अकाउंट पर क्लिक कर देते हो, चाहे वो डेब्टर्स हो चाहे वो क्रेडिटर्स हो, जिससे भी आपको पैसा लेना होगा वो आपको ऑल अकाउंट्स के अंदर शो करेगा। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया। और अगर अमाउंट रिसीवेबल टॉपिक आपको मिलता है और आप ये देखना चाहते हो कि मेरी कंपनी में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनसे मुझे पैसा लेना है, तो आप आउटस्टैंडिंग एनालाइज के अंदर आएंगे, जिसके अंदर आपको मिलेगा अमाउंट रिसीवेबल। जैसे ही आप अमाउंट रिसीवेबल पर क्लिक करोगे, ऑल अकाउंट पर क्लिक करोगे, तो हाँ, जितने लोग होंगे जिनसे आपको पैसा लेना होगा, चाहे वो डेब्टर्स कैटेगरी के हों चाहे वो क्रेडिटर्स कैटेगरी के हों, जिनसे भी आपको पैसा लेना होगा वो सब आपको शो होंगे। टोटल मिलाकर अब तक आपको 4,04,164 रुपए लोगों से लेना है, क्लियर है। इसके बाद आप चाहते हो कि उनका ग्रुप भी शो हो जाए, मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल अभी कोई मोबाइल नंबर नहीं है, क्लियर है। इसके बाद अगर आप किसी ग्रुप का देखना चाहते हो, तो आप ग्रुप पर क्लिक करो, सन्डे डेप्टर्स कर दो, तो यहाँ पर सन्डे डेप्टर्स से टोटल आपको 4,164 रुपए लेना है। अगर आप क्रेडिटर्स से लेना चाहते हो तो आप क्रेडिटर्स भी देख सकते हैं, क्लियर। इसके बाद होता है बिल वाइज। बिल वाइज का मतलब होता है कि अगर मैंने आपको एक टाइम पीरियड दे रखा है कि आप मुझे अपनी बिल की पेमेंट 30 दिन बाद करना। सपोज डेट मैं यहाँ एक पार्टी बना लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ सेल में, सेल के बाद एड पर जाता हूँ, तारीख लिखता हूँ और यहाँ एक पार्टी क्रिएट करता हूँ। पार्टी का नाम डालता हूँ मैं खुराना वोल स्टोर। ग्रुप में मैं संडे डेप्टर्स, पार्टी को दिल्ली का मानते हुए अनरजिस्टर्ड कर दूंगा और यहाँ पर ड्यू डेट्स में 8 दिन की टाइम पीरियड डालकर मैं सेव कर दूंगा। मैंने सेव करा, यहाँ से बिजी सॉफ्टवेयर लिया 3 पीस और मैंने बेच दिया। जैसे ही मैंने बेचा तो आप देखो यहाँ ड्यू डेट आ गई, मुझे पैसा इससे कब लेना है, 30/4 तक मुझे इससे पैसा लेना है 8 दिन बाद। अब मुझे देखना है कि कौन सी पार्टी जिसने मुझे अभी बिल के हिसाब से पेमेंट नहीं करी, तो मैं डिस्प्ले पर आऊंगा। डिस्प्ले के बाद मिलेगा बिल्स रिसीवेबल पर जाऊंगा, यहाँ से वन अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट, ऑल अकाउंट, सिलेक्टेड अकाउंट या फिर सिलेक्टेड ग्रुप अकाउंट। तो फिलहाल मैंने यहाँ से वन अकाउंट रखा, वन अकाउंट पर क्लिक करा तो उसका नाम डाला, मैंने कहा खुराना वोल स्टोर, कहता पेंडिंग देखना या फिर ड्यू देखना। मैंने कहा ड्यू देखो, कौन कौन से बिल ड्यू हो गए जिसकी मुझे पेमेंट करनी, तो मैंने यहाँ पर ड्यू पर क्लिक करा। अच्छा, स्टार्टिंग डेट कब की, मैंने कहा स्टार्टिंग डेट आप मान लो 1/4 से, एंडिंग डेट मैंने कहा 1/5 मान लो। अच्छा, बिल स्टेटस कब तक की रिपोर्ट देखना चाहते हो, तो मैंने कहा सर आप दिखा दो 1/5 तक की दिखा दो। अच्छा, कुछ टाइम पीरियड देना चाहते हो उनको, 1 दिन की छूट देना चाहते हो, मैंने कहा नहीं।
और जैसे ही मैं क्लियर करूंगा तो यहाँ देखो एक रिपोर्ट खुलेगी, जिसमें जिसको मैंने खुराना को माल बेचा था, तो यहाँ सबसे पहले उसका बिल आएगा कि खुराना को बिल नंबर 8/2020-2021 आ गया, टाइप सेल था, डेट 4 थी, टोटल 53,100 का माल था, ड्यू है 53,100 और ड्यू डेट थी 30/4/2020 और एक दिन अभी ये एक्स्ट्रा हो गए। कितने एक्स्ट्रा हो गए? एक दिन एक्स्ट्रा हो गए। अगर आप कहते नहीं सर मैं 2 दिन की छूट देना चाहता हूँ, तो देखो बिल गायब हो गया, क्योंकि एक दिन तो एक्स्ट्रा हुआ था, 2 दिन की आपने छूट दे रखी है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, क्लियर। लेकिन अब इस बिल के हमें 30,000 रुपये अभी तक मिल चुके हैं, तो हम रिसीव में जाएंगे। रिसीव में आए, तारीख ले ली यहाँ पर हमने 30/4, पार्टी का नाम डाल दिया खुराना, और कितने मिले हमें? 30,000 रुपये मिल गए। तो अब इसके बैलेंस कितना बचा? 20,000 रुपये, मतलब 23,100 बचा है। तो डिस्प्ले पर आओगे, बिल रिसीवेबल पर जाओगे, वन अकाउंट पर क्लिक करोगे, खुराना करोगे, और जैसे ही देखो यहाँ करोगे 1515, प्रिंटर मारोगे, तो अब इस बिल की पेमेंट 23,100 रह गई। अगर आप इस पर डिटेल मारोगे तो 53,100 का माल था, 30,000 मिल गया और 23,100 अभी बाकी है। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ लिखा होता है शो लास्ट रिसीव डेट, तुम्हें लास्ट पेमेंट कब मिली है, आपको बता देगा कि आपकी जो लास्ट पेमेंट है वो 30/4 में मिली है 30,000 रुपए की, क्लियर है। इसके बाद आप चाहते हो शो रनिंग बैलेंस, तो आप यहाँ से रनिंग बैलेंस देख सकते हो कि इसका बैलेंस ड्यू कितना है 30,000 और बैलेंस कितना रह गया है 23,100 रुपए रह गया है, क्लियर है। इसके बाद नीचे आ जाओ, शो बिल एडजस्टमेंट डिटेल, जो बिल आपने एडजस्ट करा उसकी डिटेल देखना चाहते हो तो आप ये भी देख सकते हैं कि डेट एक दिन लेट है, आपको रिसीव हुए इतने 8 दिन, मतलब कितना क्लियर 8 डेट, ठीक है, और कितना 30,000, क्लियर। क्लियर कितने दिन बाद हुए? 8 दिन बाद हुए और वो भी 30,000 रुपये, क्लियर। इसके बाद आप इंक्लूड बिल्स पेबल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका कोई बिल्स पेबल होते तो वो भी आपको शो होते, लेकिन अभी कुछ ऐसा है नहीं। इसके बाद अगर कोई लॉन्ग नरेशन या शॉर्ट नरेशन है आप वो भी देख सकते हो, अभी फिलहाल वो कोई दोनों है नहीं, लेकिन अगर आप दोनों देखना चाहते हो ऑल इंक्लूडिंग क्लियर, अगर कोई ऐसा बिल होता ना तो ड्यू हुआ है ना वो पेंडिंग हुआ है, ठीक है, मतलब ड्यू हो गया और पेंडिंग, आप सब कुछ देखना चाहते हो तो सब आपको यहाँ मिलता कि पेंडिंग इतने का है, ड्यू इतने का है, जो भी बिल होते वो सारे आ जाते हैं यहाँ पर, कब, जब आप ऑल इंक्लूडिंग क्लियर भी लेते तो यहाँ सारे बिल आते। फिलहाल अभी हमारे पास एक ही बिल है तो एक ही बिल सो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो आपको मिलता है एजिंग रिसीवेबल, अगर आप एजिंग रिसीवेबल पर क्लिक करोगे तो वन अकाउंट आएगा और यहाँ जैसे ही उस पार्टी का नाम लिखोगे तो यहाँ पर डेज आ जाएंगे कि 0 से 20 दिन में कितने पैसे दिए, अच्छा 21 से 40 दिन में कितने पैसे दिए, 41 से 60 दिन में कितने दिए, तो इस तरीके से आप पूरी रिपोर्ट निकाल सकते हो एक बिल की। अगर आपको पता करना है कि मेरा बिल 20 लाख का था तो इसके पेमेंट, इस बिल की पेमेंट उसने कब कब और कैसे कैसे की। इसके बाद आता है पार्ट अमाउंट पेबल, ऐसी कौन कौन सी पार्टियां जिनको आपको पैसा देना है, चाहे वो डेप्टर्स हो चाहे वो क्रेडिटर्स हो, तो आपको अमाउंट पेबल पर आना है, ऑल अकाउंट पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इंटर मारोगे तो जिन जिन पार्टियों को आपको बैलेंस देना होगा सब यहाँ आपको शो हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है बिल वाइज, जैसे आपने रिसीवेबल सीखा वैसे ये था, जैसे आपने एजिंग रिसीवेबल देखा वैसे ही ये था। इसके बाद अगर आपको किसी बिल की समरी चाहिए तो आप बिल की समरी भी देख सकते हैं, वन अकाउंट करो, पार्टी का नाम डालो, क्या नाम था पार्टी का, खुराना, तो आप यहाँ से खुराना डालो और जैसे ही इंटर मारोगे तो यहाँ देखो खुराना की पूरी रिपोर्ट आ गई, 23,100, 23,100, 23,100 बिल बचाए 23,100 का, नेट बिल्स अमाउंट 23,100 का और लेजर बैलेंस 23,100 हमें उससे लेने। इसके बाद बिल वाइज डिटेल, तो आप यहाँ से बिल वाइज स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, यहाँ से खुराना पर क्लिक करो तो बाय डेट 22 तारीख थी, अमाउंट कितना है 53,100, रिसीव कितना कितना लेना है 23,100 लेना है, ठीक है, और कितने दिन लेट हो गए 343 दिन लेट हो गए, कितने दिन लेट हो गए 343 दिन लेट हो गए, तारीख अगर हमने 31/3 ले रखी तब ऐसा कर रहा है। इसके बाद हम इसे स्किप करेंगे और यहाँ से तारीख को कम कर देते हैं, यहाँ हम 1/5 कर देते हैं, हमने यहाँ 1/5 करा,
1-5 करा और देखो जैसे ही इंटर मारेंगे तो 9 दिन हो गए, क्योंकि पता है ये जो भी रिपोर्ट कैलकुलेट करता है वो बिल्स स्टेटस एज ऑन के बिहाफ से क्लियर करता है। आप यहाँ डेट कुछ भी लिख दो, लेकिन जो स्टेटस डेज होगी ना वो वहां से कैलकुलेट करेगा। इसके बाद आप इसे ओके करो तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। इसके बाद नीचे आता है बिल रेफरेंस डिटेल। अगर किसी एक रेफरेंस के आपको डिटेल चाहिए तो यहाँ लिखो 8/2020-1। तो इस बिल की पूरी तुम्हें रिपोर्ट मिल जाएगी कि बिल कितने का था, आपने कितना पैसा दे दिया, इस तरह की प्रॉपर रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। क्लियर। इसके बाद है ओन अकाउंट। तो अगर ऐसा कोई जिसको आपने नहीं करी एंट्री, जैसे मान लो मैंने किसी के अंदर डाला ही नहीं, तो आप वो सब किसके अंदर जाएगा? ओन अकाउंट के अंदर। जैसे मेरी एक पार्टी थी शिव कृपा, ये सब किसके अंदर होगा? ओन अकाउंट के अंदर होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी के अंदर ही डालते हो सब किसके अंदर जाता है? ओन अकाउंट के अंदर जाता है। इतना क्लियर हो गया, ये आउटस्टैंडिंग था। इसके बाद आता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक अच्छा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता है, मान लो मैंने किसी को माल बेचा, अब उसने मुझे पेमेंट टाइम पर नहीं करी। जैसे यही बंदा था, खुराना वॉल स्टोर, हमने इसे 23,100 लेने, लेकिन इसने हमें पेमेंट करी नहीं 1 आर्ट तक। अभी 1 आर्ट को पेमेंट लेके आया 23,100 की, तो हमने कहा भैया हम आपसे इंटरेस्ट भी लेंगे। अच्छा, कितने परसेंट इंटरेस्ट लोगे ये भी तो हमें बताना पड़ेगा। तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाएंगे, प्रोडक्ट बेसिस पर आएंगे, यहाँ से वन अकाउंट लेंगे और यहाँ से पार्टी का नाम डालेंगे खुराना। अच्छा, कब रिपोर्ट देखना चाहते हो? 1 आर्ट तक रिपोर्ट देखना चाहते हो। अच्छा, रेट कैसे लगाओ? मैंने कहा फ्लैट लगाओ। कितने परसेंट? 8.5%। तो जैसे ही मैं 8.5% करूंगा तो ये बता देगा कि 8.5% पर पहले एक दिन जो लेट हुआ था उस पर 99 रुपये लगेगा, मतलब जो पहले 8 दिन लेट हुए थे वो 99 रुपये लगेंगे और बाकी 94 पर 506 रुपये लगेगा आपका। क्लियर। 53,100 पर 8 दिन के लगे 99, और बाकी 94 दिन के कितने पे लगे? 23,100 पर 506 रुपये के। क्लियर। टोटल आपका इंटरेस्ट कितने का बन गया? 605 रुपये का आपका टोटल इंटरेस्ट बना। लेकिन मैंने कहा सर फ्लैट रेट तो ठीक है आपका, मैं ना इसे बोथ रिसीवेबल पर लगाना चाहता हूँ, जितना मुझे पैसा चाहिए। पेबल नहीं, एक होता है पेबल के लिए, एक होता है रिसीवेबल के लिए, आपको जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हैं। तो आप दोनों में से जो भी लेना चाहें आप वो ले सकते हैं, चाहे आप बोथ लेना चाहें बोथ कर दें, और आप चाहे रिसीवेबल लेना चाहें तो आप रिसीवेबल ले सकते हैं। क्लियर है। लेकिन एक बात आपने यहाँ नोटिस करी कि जब हम इस रिपोर्ट को निकाल रहे हैं तो यहाँ 8 दिन के 99 रुपये अलग दिखा रहा है और 94 रुपये अलग दिखा रहा है। बट सर किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है, क्या आप हमें बता सकते हो? तो मैं आपको बता सकता हूँ बिल्कुल ही किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। यहां से मैंने एक्सेल शीट को ओपन करा, इसमें मैंने सबसे पहले वो टोटल अमाउंट को लिखा। टोटल अमाउंट कितना था? 53,100। ठीक है, रेट कितना था इंटरेस्ट का? 8.5%। अगर हम पूरे साल का निकाले तो पता ही पूरे साल का कितना आता है? पूरे साल का आपका जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 62 कितना है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर हम इंटू करेंगे इसके साथ, और ये हमारा अमाउंट निकल के आएगा अप्रोक्सीमेट 4513 रुपये। ये पूरे साल का, अगर मैं 365 से डिवाइड कर दूंगा तो ये एक दिन का आ गया, और अगर मैं एक दिन को 8 से गुणा कर दूंगा तो 99 रुपये करीब अप्रोक्सीमेट ही हमारा इंटरेस्ट बन गया। क्लियर। इसके बाद अगर मैं इसी फार्मूले को कंट्रोल डी करके नीचे कर दूं और यहाँ अमाउंट 2301 लिख दूं, इतना ठीक है। अगर मैं इसको अब कितने से कितने दिन थे यहाँ पर 94, तो 94 से गुणा कर दूं तो 505 आ गया, और यहाँ देखो 506 आ रहा है। तो ये रेट क्या निकलता है? पहले पूरे साल का निकालता है, फिर 365 से डिवाइड कर देता है, और फिर 1 से गुणा कर देता है। क्लियर, समझ आ गया? इस तरीके से कैलकुलेशन करता है। सर दोबारा रिपीट करो। टोटल अमाउंट मैं अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, एनुअल, ठीक है, मैंने लिख दिया यहां से एनुअल इंटरेस्ट कितना
कितना, दिस इनटू दिस, ये एनुअल आ गया, ठीक है, पर डे, तो मैंने यहाँ लिखा डे पर पर डे इंटरेस्ट, तो इसको 365 से डिवाइड कर दिया तो एक दिन का आ गया, ठीक है। डेज कितने हैं, डेज 8 हैं, तो यहाँ पर 8 लिख दिया, यहाँ 94 लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में इंटू कर दिया, इंटू कर दिया, तो जोड़ोगे तो वही आ गया 604 रुपए, और यहाँ भी हमें 606 रुपए दिखा, 605 दिखा रहा है, 1 रुपए का डिफरेंस है। क्लियर है, इस तरीके से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करता है, क्लियर है। लेकिन सर हम चाहते हैं कंसीडर लास्ट डेट बैलेंस, तो अगर आपको लास्ट डेट बैलेंस भी चाहिए तो आप यहाँ से लास्ट डेट बैलेंस भी देख सकते हैं कि लास्ट डेट जो बैलेंस था वो कितना था, 5/6 से, मतलब यहाँ से आपको लास्ट डेट जो भी बैलेंस होगा वो भी दिखा देगा। एक्सक्लूड ऑटो जनरेट इंटरेस्ट इन वाउचर, अगर आप चाहते हैं कि ऑटो जनरेट वाउचर ही बन जाए तो यहाँ से आप F4 करेंगे तो आपका एक ऑटो जनरेट वाउचर भी बन जाएगा, क्लियर। लेकिन अभी हम समझते हैं, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट में फ्लैट रेट सीख लिया, अब आता है स्लैब डेज वाइज। अब हमें डेज के हिसाब से भी लगाना है, हम डेज के हिसाब से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप उसे बनाने के लिए कहाँ आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, और आपको यहाँ से मिलेगा क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ जाएंगे अमाउंट वाइज, और दूसरा होता है डे वाइज। हम डे वाइज पर क्लिक करेंगे और कहेंगे अगर दिन अप टू कितने हैं, अगर अप टू 8 दिन ऊपर है तो 2% इंटरेस्ट, अगर अप टू 10 दिन ऊपर है मतलब 20 दिन ऊपर है तो 3%, अगर अप टू 30% है तो 5%, अगर अप टू 50% है तो 8%, और अगर अबव है 50 तो पता, अगर 50 से अबव है तो हम 12% इंटरेस्ट लेंगे, और सेव कर दो। जैसे ही हम 12% करेंगे और प्रोडक्ट में आएंगे, वन पार्टी लेंगे और खुराना डालेंगे। अब यहाँ जैसे ही डेज हिसाब से करेंगे, देखो ये डेज के हिसाब से दिखाएगा, क्लिक करो, यहाँ पर हमें पहले बता रहा है 93 रुपए और फिर 2512 रुपए, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगा है वो 336 रुपए, 12% लगा है, यहाँ पर 8% के हिसाब से दिखा रहा है। और यहाँ हमने 31 मार्च ले लिए तो उसने 336 दिन का निकाल दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ से 1 अगस्त का ले लूंगा तो देखो यहाँ से 1 अगस्त का 807 रुपए दिखा देगा। अब तुम चाहते हो यहीं से एक जनरल एंट्री पास हो जाए तो आप ये भी कर सकते हैं, F4 दबाओ, सबसे पहले यहाँ लिखो इंटरेस्ट पेबल और यहाँ लिखो इंटरेस्ट रिसीवेबल, यहाँ F3 करके बना लो, यहाँ लिख दो इंटरेस्ट पेड, अगर हम पे करेंगे तो हमारे लिए इनकम है तो हम इनडायरेक्ट में डाल देंगे और सेव कर देंगे, और अगर हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारे लिए क्या है, इनकम इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना, ये हमारी इनकम है तो हम इसे इनकम इनडायरेक्ट में डाल के सेव कर देंगे, ठीक है। क्रेडिट बिल डिफरेंस मैंने कहा नहीं क्रिएट नहीं करना, और जैसे ही देखो हम एक इंटर मारेंगे, ऑल प्लस एल करें, खुराना का लेजर ओपन करेंगे तो आप खुराना के लेजर में देखना 807 रुपए पोस्ट हो गए, और टोटल अब हमें खुराना से 23,907 रुपए लेना है। और अगर आप इस पे इंटरेस्ट देखोगे तो एक एंट्री पास करिए, खुराना अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, और लिखा है इंटरेस्ट टू बी रिसीव फॉर द पीरियड 1/4/2020 से लेकर 1/8/2020, कितना आप यहाँ से लिख सकते हैं 12%, और इसे सेव कर दें इस तरीके से, और आप यहाँ जाकर देखोगे तो आपको दिख जाएगा, क्लियर है। अब ऐसा भी तो हो सकता है 1/8 तक के तो हमें पैसे मिल गए लेकिन उसके बाद के पैसे लेने हो तो यहाँ 1/8 से 31 लिख दो, तो यहाँ पर इसके बाद के कितने 243 दिन के जितने पैसे बनते हैं आप वो भी इस तरीके से कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बेस पर होता है, दूसरा होता है महाजनी। महाजनी जानते हैं, जब आपको आपने चक्रवर्ती ब्याज का नाम सुना होगा, ब्याज के ऊपर ही ब्याज लगता है तो उसे कहते हैं महाजनी, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता मार्केटिंग में, तो फिलहाल आप प्रोडक्ट बेस पर करें। अगर आप बिलवाइज चाहते हैं तो आप यहाँ पर बिलवाइज आए, वन अकाउंट पर क्लियर करें और यहाँ से पार्टी का नाम टाइप करेंगे तो आप जैसे रिपोर्ट देखना चाहेंगे वैसे ही आपको रिपोर्ट मिल जाएगी जैसे आपने वहां देखी थी, क्लियर है। अब यहाँ पर कोई इंटरेस्ट तो पेंडिंग है नहीं क्योंकि हमने सब वहां पर ले लिया था, अगर आप यहाँ पर डाल दो तो आप यहाँ पर डाल भी सकते हैं फ्लैट रेट, क्लियर है। लेकिन मैं आपको समझा चुका हूँ तो इस पर हमें नहीं करना, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बेस पर दिखाता है,
और यहाँ पर हर बिल का इंटरेस्ट बताता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्लियर है? एक होता है लेने वाला, एक होता है देना। पेबल मतलब देना और रिसीवेबल मतलब लेना। अब आता है डेप्रिशिएशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डेप्रिशिएशन। जानते हैं डेप्रिशिएशन क्या होता है? डेप्रिशिएशन होता है जब किसी चीज की वैल्यू को कम करना है। मैं ये माउस खरीद के लाया हूँ या ये मैं लैपटॉप खरीद के लाया हूँ, इसकी कीमत 1 लाख रुपए की मुझे पड़ी थी, क्या आपको लगता है इसकी कीमत 1 साल बाद 1 लाख रुपए की रहेगी? नहीं, कुछ ना कुछ परसेंट कम हो जाता है। जितने परसेंट इसकी कीमत कम होती है ना, उसे डेप्रिशिएशन कहते हैं। अगर डेप्रिशिएशन का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू में कमी आना, डेप्रिशिएशन कहलाता है। अगर मैं मान लो एक कंप्यूटर परचेज करके लाता हूँ, मैंने यहाँ से एक लैपटॉप लिखा, लैपटॉप जिसकी कीमत ग्रुप में मैंने फिक्स एसेट डाला और माना इस पर 15% इंटरेस्ट लगेगा और साल में इसका 7.5% इंटरेस्ट कम हो जाएगा। कितने परसेंट के हिसाब से? मैंने इस लैपटॉप को 32,000 रुपए का खरीदा और इसकी पेमेंट कैश में कर दी। अब इसकी 1 साल बाद कितने परसेंट वैल्यू रह जाएगी, उसे अगर देखना हो, उसे देखना हो तो हम कहेंगे डेप्रिशिएशन में, इनकम टैक्स रिटर्न में आएंगे, यहाँ से लैपटॉप लिखेंगे और देखो जैसे ही हम इंटर मारेंगे तो ये बता रहा है कि हमारे पास लैपटॉप की वैल्यू इस साल जो कम होगी वो 2400 रुपए कम हो जाएगी और लैपटॉप अब 29,600 का रह जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्लियर है? अगर हम इसमें डेप्रिशिएशन चार्ज करना चाहें तो यहाँ पर 2 तरीके, या तो F4 दबा दो, जैसे आप F4 करोगे तो यहाँ से खुल जाएगा, बस यहाँ से सिलेक्ट अकाउंट करना, किसको करना चाहते हो, लैपटॉप, और जैसे इंटर मारोगे तो ओल्ड प्लस एल करना, लैपटॉप को टाइप करना और देखना अब लैपटॉप की वैल्यू 32,000 रुपए की थी ना। तो रुको, F4 करते हैं, सिलेक्ट अकाउंट पर जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डेप्रिशिएशन, और जैसे ही हम यहाँ से डेप्रिशिएशन की एंट्री पास करेंगे, ओल्ड प्लस एल नहीं हो रही, बैक करते हैं, दोबारा आते हैं, ठीक है, इंटर मारते हैं, ग्रुप में हमने फिक्स एसेट लिया 15% रेट का, ठीक है, अकाउंट लेजर खोला, अच्छा गलती कर दी हमने, फिक्स एसेट्स में कार को ये हमें जनरल से एंट्री पास करनी चाहिए थी, हम X6 करते हैं और इसे जनरल में ले जाते हैं और अब लैपटॉप को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट, क्योंकि लैपटॉप हमारे पास आया है और कैश गया है। अब देखना अब परफेक्ट आ जाएगा, मतलब अब इसकी 1 साल बाद 48 वैल्यू घटेगी। अब F4 करो, सिलेक्टेड करो और यहाँ पर आप डेप्रिशिएशन डालो और जैसे ही डेप्रिशिएशन की एंट्री पास करके ओल्ड प्लस एल करोगे तो अब देखना 32,000 रुपये का लैपटॉप था, उसका 15% वैल्यू कम हो जाने के बाद 27,200 दिखेगा। और जब तुम दोबारा इसके अंदर आओगे तो आप जैसे ही इंटर मारोगे तो अब इसकी वैल्यू 48% कम हो, इतनी वैल्यू कम हो जाने के बाद कितनी बचेगी, अभी 27,200 बची हुई है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको डेप्रिशिएशन की एंट्री पास करनी। मैं एक आपको बात और बता दूं, डेप्रिशिएशन 2 तरह का होता है, एक होता है इनकम टैक्स एक्ट और दूसरा होता है कंपनी एक्ट। अगर आप कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो वहां पर कंपनी एक्ट का डेप्रिशिएशन चलता है, क्लियर? लेकिन अगर आप एक प्रोप्राइटर हो, एक पार्टनरशिप फर्म हो, एक AOP हो, एक BOI हो, तो उस केस में आपको जो एंट्री पास करनी है वो किस बिहाफ से पास करनी है, वो आपको इनकम टैक्स एक्ट पर लो के हिसाब से पास करनी है। अगर आप कंपनी के लिए पास करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फिगरेशन, फीचर ऑप्शन, अकाउंट्स में एक डेप्रिशिएशन का टॉपिक को अनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पर होगा डेप्रिशिएशन कंपनी एक्ट, जैसे ही आप इसे यस करोगे कोई डिफरेंस नहीं, एंट्री तो वही होगी, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन जब भी आप कोई फिक्स एसेट्स बनाओगे तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर तो कंपनी का ये इनकम टैक्स का आएगा, बस तुम्हें नीचे कंपनी का डाल देना, बस और कुछ नहीं। इतना जब क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। आप हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा माय डैशबोर्ड रिपोर्ट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है मतलब इस सेशन का, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टॉक स्टेटस से स्टार्ट करेंगे। माय डैशबोर्ड, मैं चाहता हूं कि अभी देखो मुझे हर चीजों के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है, सेल की रिपोर्ट अलग देखनी पड़ती है, परचेज की अलग, मैं चाहता हूं एक दिन की सारी रिपोर्ट मुझे एक जगह मिल जाए
उसे डैशबोर्ड कहते हैं। अगर मैं आपकी सारी चीजें एक जगह लाकर रख दूं ना, वो डैशबोर्ड कहलाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसे बनाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे और यहाँ से आएगा पार्टी डैशबोर्ड, एक होता है यूजर डैशबोर्ड। तो हम यहाँ से यूजर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करोगे, जो भी आपकी कंपनी का सुपर यूजर होगा उसका नाम बाय डिफॉल्ट पिक करेगा, आपका क्रेडिट बैलेंस कितना है, आपकी सेल कितनी हो गई, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपकी परचेज कितनी हुई है, शो सब टोटल, शो डेली बैलेंस, शो परचेज, शो रिसीव, शो दिस। तो आप इस तरीके से टॉपिक अनेबल करते जाएंगे तो ये आपको रिपोर्टेड दिखाता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्स पेबल इसे यस कर देंगे, ऑल इंक्लूडिंग क्लियर पर क्लिक कर देंगे, इसे क्लियर कर देंगे। मतलब जो जो चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है वो यस कर लो। आइटम बिलो मिनिमम, ठीक है, ये देखना है। टोटल आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, टोटल आपका एजिंग स्लैब वाइज कितना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, और एक दिन का प्रॉफिट कितना। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। आपने इस टॉपिक को अनेबल करा, जो जो टॉपिक आपके लिए रिक्वायरमेंट है आप उन्हें यस करते जाइएगा, फिर माई डैशबोर्ड रिपोर्ट पे आइएगा और जैसे ही आप इस पे एंटर मारेंगे तो एक दिन की आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। 31 तारीख को आपके पास टोटल सेल कितनी हुई, टोटल बैंक में पैसा आया कितना। तो इस तरीके से एक दिन की, जैसे आपको 1/5 की देखनी है तो आप 1/5 की सारी रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपका कैश का बैलेंस कितना है, SDFC में कितना है, सेल कितनी हो चुकी है, परचेज कितनी हो गई है, किससे कितना पैसा लेना है, ठीक है, मेरे पास स्टॉक कितना है। इन सभी की रिपोर्टों को देखने के लिए हम डैशबोर्ड बनाते हैं। ये बीजी का एक बहुत वंडरफुल फंक्शन है जिसके अंदर आप अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर सकते हो और जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट आप वो चीजें ला सकते हैं। क्लियर है? आज के सेशन में हम लोगों ने आपके साथ अपने 3 टॉपिक को डिस्कस करा, 3 या 4 टॉपिक डिस्कस हो गए, जिसमें पहला था आउटस्टैंडिंग, दूसरा था इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तीसरा था डेप्रिसिएशन और चौथा था हमारा माई डैशबोर्ड रिपोर्ट। इसके बाद आने वाली जितनी क्लास होंगी उसमें सारी इन्वेंटरी की बात की जाती है। देखो, बीजी को 2 पार्टों में बांटा गया, एक पार्ट होता है अकाउंट्स का, एक पार्ट होता है इन्वेंटरी का। अभी जितना हिस्सा तुमने सीखा ये सब अकाउंट से रिलेटेड था, ये पार्टी से रिलेटेड था, लेकिन इसके बाद स्टॉक, इन्वेंटरी, इन्वेंटरी समरी, ये सभी जो बात करेगा ये स्पेशली बात करेगा आइटम की। अभी तक आपने जितनी रिपोर्टें मुझसे देखी होंगी इन 5 क्लासों में, सब में मैंने पार्टी की बात करी लेकिन किसी में भी आइटम की बात नहीं करी। लेकिन आने वाला नेक्स्ट टॉपिक आइटमों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।